देश की प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज के पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं। देश भर में आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको बता दें कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 दिन से अस्थिर बनी हुई हैं। देश में 100 दिनों से पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। देश में पिछली बार 4 नवम्बर 2021 को ईंधन की कीमतों में बदलाव हुआ था, उसके बाद से अभी तक एक बार भी पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उधर दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा रखी है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दामों में 2-3 दिनों से बेशक सुस्ती बनी है, लेकिन इस सुस्ती से टेंशन कम नहीं हो रही है। वहीं oilprice.com के मुताबिक शुक्रवार 11 फरवरी यानी कि आज कच्चे तेल के दामों में मामूली सुस्ती देखी जा रही है। इसके बावजूद कच्चे तेल के दाम $91 प्रति बैरल बने हुए हैं। आज WTI क्रूड की कीमतें 0.34% की गिरावट के साथ $89.57 पर पहुंच गई है, जबकि गुरुवार को इसकी कीमतें $89.74 थी। वहीं दूसरी ओर ब्रेंट क्रूड के भाव भी आज मामूली गिरावट देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड के भाव में 0.47% की गिरावट के साथ $90.98 पर आ गए हैं। गुरुवार को इसके दाम $91.49 थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेशक कच्चे तेल की कीमतें आसमान की ओर हैं ट्रैवल कर रही हैं, लेकिन भारत की आम जनता पर फिलहाल इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। जहां एक तरफ कच्चे तेल की कीमतें लगातार महंगी होती जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर देश में 100 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। वहीं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर, भोपाल जैसे देश के तमाम शहरों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री उन्हीं पुरानी दरों पर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।